अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा के किचन में बन रहा है वाइट राजमा, इसे लोबिया भी कहते हैं और ब्लैक आइड बीन्स भी कहते हैं। ये वाइट राजमा है, इसे मैंने बॉईल करके रखा है। वाइट राजमा बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इसे फाइन चॉप किया है। 3-4 हरी मिर्ची ली है, एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, इसे भी बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। 1/2 चम्मच जीरा लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर लेना है और लगभग 3 छोटे चम्मच लहसुन अदरक लिया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा हर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है, इसमें सबसे पहले हम जीरा फ्राई करेंगे। जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब प्याज और हरी मिर्ची फ्राई कर लेंगे। ये प्याज के साथ में हम नमक डाल देंगे तो ये प्याज थोड़ा सा जल्दी फ्राई हो जाएगी। ये जो मिर्ची, धनिया और हल्दी है, इसमें हम पानी डाल देंगे। जब हम मिर्ची को इस तरीके से गीला कर लेते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम लहसुन अदरक फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक डालने के 10-15 सेकंड बाद हम ये मिर्ची डाल देंगे। ये मसाले की रंगत माशाल्लाह बहुत अच्छी दिख रही है, इसमें से तेल छूटना शुरू हो गया है, यानी हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर मिक्स कर देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें इस मसाले के साथ में पकाना है, 2-3 मिनट लगेंगे हमें। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें हम वाइट राजमा मिक्स करेंगे। दो तीन मिनट हमें इस मसाले के साथ में इस राजमा को फ्राई करना है। राजमा बॉईल करने में जो पानी है वो पानी फेंकना नहीं, इस पानी को हम इस सब्जी में अभी मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम ये पानी डाल देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और हरा धनिया डालकर हम इसे सर्व करेंगे। ये वाइट राजमा हमारा कंप्लीट है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट से करिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।